प्रधानमंत्री मोदी के कब्रिस्तान और प्रधानमंत्री ने कल फतेहपुर रैली में अखिलेश सरकार पर लगाया मजहबी भेदभाव का आरोप। बोले जहां कब्रिस्तान बनता है वहां शमशान भी बने, त्योहारों में बिजली सप्लाई को बनाया मुद्दा। अगर रमजान में बिजली मिलती है तो दिवाली में भी बिजली मिलनी चाहिए, अगर होली पे बिजली मिलती है तो ईद पर भी बिजली मिलनी चाहिए। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने प्रधानमंत्री के बयान पर विवाद को बताया बकवास, कहा पीएम ने की थी सबका साथ सबके विकास की बात। आज तक से खास बातचीत में साक्षी महाराज ने मुस्लिम को टिकट न दिए जाने पर दी सफाई, कहा बीजेपी धर्म जाति नहीं, जीतने वाले उम्मीदवारों को देती है टिकट। समाजवादी पार्टी प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी का प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक बयान, कहा आतंकवादी की तरह डरा धमका रहे प्रधानमंत्री। आतंकवादी है नरेंद्र मोदी और अमित शाह, दोनों आतंक पैदा कर रहे लोकतंत्र में। बीएमसी चुनाव से पहले सीएम फडणवीस का शिवसेना पर वार, बोले ड्रेनेज सिस्टम सुधारने के लिए काफी पैसा दिया लेकिन नहीं निकला कोई नतीजा। शिवसेना सामना में लिखा कल के हार के बाद हो जाएंगे पूरी तरह से पागल। मुंबई में कफ परेड के प्रतिबंधित इलाके में बीजेपी उम्मीदवार पर मतदाताओं को पैसे बांटने का आरोप, शिवसेना कार्यकर्ता ने दर्ज कराई शिकायत। दिल्ली में होने वाले एमसीजी चुनाव में जेडीयू भी उतारेगी सभी 272 सीटों पर अपने उम्मीदवार, बदरपुर इलाके में की रैली। फिरोजाबाद में टूडला स्टेशन के करीब कालंदी एक्सप्रेस मालगाड़ी से टकराई, दोनों ट्रेनों की कुछ बोगियां पटरी से उतरी, हादसे में कोई भी घायल नहीं हुआ। मुंबई के अंधेरी स्टेशन में घुसी तेज रफ्तार कार, अंडर 19 क्रिकेटर निकला ड्राइवर, पुलिस ने हिरासत में लेकर मेडिकल के लिए भेजा। यूपी के हाथरस में NH-93 पर दर्दनाक हादसा, अज्ञात वाहन ने 6 बच्चों को रौंदा, 1 की मौत, 5 गंभीर रूप से घायल। अमृतसर पठानकोट हाईवे पर एक बेकाबू बस ने 3 बाइक सवारों को कुचला, अस्पताल में भर्ती कराए गए सभी घायल। पोखरण में युवक की मौत पर हंगामा, लोगों ने हत्या का आरोप लगाते हुए किया प्रदर्शन। दिल्ली के छावला में 24 साल के युवक की गोली मारकर हत्या, सीसीटीवी में कैद वारदात, क्रिकेट से जुड़े विवाद में हत्या का शक। दिल्ली के सोनिया विहार में भी युवक की हत्या, गैस एजेंसी के गोदाम में काम करता था मृतक। दिल्ली के नजफगढ़ से लापता युवक का शव हरियाणा के बहादुरगढ़ में मिला, परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया। ग्रेटर नोएडा के इकोटेक में सड़क के किनारे घायल मिली एक महिला, फटे हुए थे कपड़े, स्थानीय लोगों ने अस्पताल पहुंचाया। झारखंड के धनबाद में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत से सनसनी, पत्नी साली और 2 बेटों की हत्या कर BCCL कर्मचारी ने अपनी जान दी, प्रेम प्रसंग का मामला। गुजरात के नलिया गैंगरेप केस में कांग्रेस ने SIT जांच पर निगरानी की मांग की, कहा पूर्व जज के निगरानी में हो जांच। गुजरात के पाटन में जूनियर क्लर्क की परीक्षा के दौरान नकलची ने चबाई नकल वाली चिट, CCTV में कैद हुई तस्वीर। बिहार के वैशाली में भारी मात्रा में मिली अवैध शराब, पुलिस ने करीब 2000 लीटर शराब जब्त की। हरियाणा नंबर वाले ट्रक से लाई गई थी शराब की खेप, पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। बेंगलुरु की वेलंदूर झील में आग लगने पर नजदीकी रिहायशी इलाकों के लोगों ने किया प्रदर्शन, पर्यावरण और सेहत के लिए इसे खराब बताते हुए फौरन निदान की मांग की। IPL सीजन 10 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी शुरू, इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स की खुली लॉटरी, पुणे से रिकॉर्ड 14.5 करोड़ में खरीदा। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान यान मॉर्गन को पंजाब ने 2 करोड़ में लिया, दिल्ली ने 1 करोड़ में न्यूजीलैंड के कोरी एंडरसन को खरीदा। दिल्ली के ऑलराउंडर पवन नेगी की भी बल्ले बल्ले, 30 करोड़ बेस प्राइस वाले नेगी को बैंगलोर ने 1 करोड़ में खरीदा। ईशांत शर्मा और इरफान पठान को नहीं मिला खरीदार, सौरभ तिवारी भी नहीं बिके। न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान रॉस टेलर भी नहीं बिके, गुप्टिल को भी नहीं मिला खरीदार। फिल्म काबिल का धुआंधार प्रमोशन करने के बाद ऋतिक रोशन अब लेंगे ब्रेक, स्वस्थ सेहत के लिए डिटॉक्स की है तैयारी। करण जौहर की हिट फिल्म से होगी सैफ अमृता की बेटी सारा खान की बॉलीवुड में एंट्री, अभी तय नहीं हुई फिल्म, पहले स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 से जुड़ा था नाम।
राजकुमार राव और अंजलि पाटिल की फिल्म न्यूटन का बर्लिन महोत्सव में हुआ प्रीमियर। फिल्म को मिला इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ द आर्ट सिनेमा का पुरस्कार। शाहरुख खान को मिला मशहूर अमेरिकी टीवी शो का न्योता। डिक जेंटली हॉलिस्टिक डिटेक्टिव शो में होंगे मेहमान। आमिर की बेटी इरा संगीतकार राम संपत की असिस्टेंट बनेंगी। रईस के गाने उड़ी उड़ी जाए में संपत के संगीत की मची है धूम। महेंद्र सिंह धोनी से चली पुणे आईपीएल की टीम। कप्तानी स्टीव स्मिथ लेंगे जगह। पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को भी कहा अलविदा। टेस्ट और वनडे से पहले ही ले चुके संन्यास। मुंबई से लंदन जा रहे जेट एयरवेज के एक विमान का जर्मनी के दो लड़ाकू विमानों ने किया पीछा। जेट फ्लाइट का जर्मन के हवाई क्षेत्र में टूटा था संपर्क। 300 यात्री थे सवार। सीरिया के हामा और डेरा शहर पर हवाई हमले का वीडियो वायरल। रूसी सेना पर बमबारी का आरोप।